नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। लेबनान में इसराइल की सेना ने ताबड़तोड़ हमले कर हिजबुल्ला के कई ठिकाने बर्बाद कर दिए। इन हमलों में हिजबुल्ला के कमांडर इब्राहिम अकील की मौत का दावा किया गया है। इब्राहिम अकील हिजबुल्ला का ऑपरेशन कमांडर था और माना यह जा रहा है कि उसकी मौत से इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध और भड़क सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। लेबनान में इसराइल ने बरसाया बारूद, बारूदी बारिश से बर्बाद हुआ बेरूत। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों से हिजबुल्लाह उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि इसराइल की सेना ने एक के बाद एक दो ताबड़तोड़ हमलों से उसकी कमर तोड़ दी। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए इन हमलों में जबरदस्त तबाही हुई है तो हिजबुल्लाह के ऑपरेशन कमांडर इब्राहिम अकील की भी मौत हो गई। इब्राहिम अकील वो कमांडर था जो इसराइल पर हमले के लिए हर प्लान को तैयार करता था और माना जा रहा है कि इब्राहिम की मौत इस युद्ध का रुख मोड़ सकती है क्योंकि अपने कमांडर की मौत से हिजबुल्लाह बौखला गया है और वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि इसराइल भी पूरी तरह से तैयार है और वो हिजबुल्लाह के किसी भी संभावित हमले को रोकने और पलटवार करने का फुल प्रूफ प्लान पहले ही तैयार कर चुका है। कौन था इब्राहिम अकील? इब्राहिम अकील फुआद शुक्र के बाद हिजबुल्लाह आर्म्ड फोर्सेस का दूसरा मेन कमांडर था। इमाद मुग्नियह हिजबुल्लाह का सैन्य कमांडर इन चीफ था, उसे 2008 में इसराइल ने मार दिया। फुआद शुक्र ने उसकी जगह ले ली थी। जुलाई 2024 में उसे भी मार दिया गया, फिर इब्राहिम अकील ने उसकी जगह ली और एक दिन पहले किए गए हमलों में इसराइल ने इब्राहिम अकील को भी ढेर कर दिया। और यही वजह है कि इब्राहिम अकील की मौत को हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेबनान की बेका घाटी इलाके में जन्मा इब्राहिम अकील शिया राजनीतिक आंदोलन अमल में शामिल हो गया था और इसके बाद वो हिजबुल्लाह का संस्थापक सदस्य भी बना। अकील ने 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर आतंकी हमले को अंजाम दिया था। अकील इतना खतरनाक था कि अमेरिका ने उस पर फुआद शुक्र से भी ज्यादा इनाम रखा हुआ था। उधर इसराइल के हमलों में लेबनान में कई इमारतें तबाह हो गई। सुरक्षा दल अभी भी मलबे के नीचे शवों की तलाश कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हवाई हमले में 14 लोग मारे गए और 66 लोग घायल हुए हैं। पेजर धमाके के बाद बौखलाया लेबनान बदले के लिए अभी प्लान ही बना रहा था कि 24 घंटे में इसराइल ने लेबनान पर दूसरा अटैक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। बदले की आग में बारूद उगल रहे हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसराइल के खिलाफ लेबनान के हिजबुल्ला ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला ने इसराइल को शत विशत करने का एक प्लान बनाया है। प्लान की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी हिजबुल्ला के इसराइल पर ताजा हमले की रिपोर्ट। नसरल्ला ने तैयार किया इसराइल पर अटैक का प्लान नंबर 36।
हिजबुल्ला कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन का ऑर्डर। 50,000 लड़ाकों को इजराइल बॉर्डर पर जाने का कटा परवाना। नसरल्ला ने बेरूत के बीच चौराहे पर खाई इजराइल को नेस्तोनाबूद करने की कसम। लेबनान में धमाकों की गूंज से हिजबुल्ला हिल गया है। ऐसा हमला होगा दुश्मन दिखेगा भी नहीं और पूरे लेबनान में खौफ तांडव करेगा, हिजबुल्ला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब खून से देश सन रहा है तो हलचल मच गई है। हमास के सपोर्ट में रॉकेट बरसाते बरसाते लेबनान खुद ही युद्ध मोर्चे पर खड़ा है और साथ देने के लिए जो आने वाला है वो खुद ही लहूलुहान है, यानी ईरान। ईरान हिजबुल्ला के लिए क्या कर सकता है इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लेबनान की सीमा पर मारे गए इजराइल के दो सैनिक, हिजबुल्ला ने कर दिया इजराइल के खिलाफ एयर स्ट्राइक। हिजबुल्ला ने इजराइल के खिलाफ फायर किया 100 रॉकेट। हिजबुल्ला जख्मी हुए मारे गए अपने लड़ाकों की मौत के बाद अब क्या करने वाला है, ये सवाल इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया इस आशंका में जी रही है कि क्या इजराइल लेबनान का युद्ध पक्का है। घोषित युद्ध के बहुत पहले हिजबुल्ला और इजराइल के बीच मिसाइल और रॉकेटों का हमला कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन इजराइल वाले साइबर अटैक के बाद लाउड एंड क्लियर हो चुका है कि नेतन्याहू के प्लान में जो 3H यानी हुथी, हमास और हिजबुल्ला हैं, उनमें से हमास के बाद हिजबुल्ला का नंबर आ गया है। हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला ने कहा कि लेबनान और सीरिया में हिजबुल्ला सदस्यों के खिलाफ पेजर और वॉकी टॉकी से किए गए हमले रेड लाइन को पार कर गए हैं। हिजबुल्ला जवाबी कार्रवाई करेगा और फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। हिजबुल्ला दक्षिणी लेबनान में 1,000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स को दागने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन ठीक उससे पहले इजराइल का घातक रिएक्शन आया। इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया। सवाल वही कि नसरल्ला कैसे लेगा इसराइल से बदला, क्योंकि इसराइल कोई दाल भात का कौर नहीं है कि उठाया और गपक लिया। हिजबुल्ला जैसे संगठनों से लड़ने के लिए इसराइल ने वर्षों से संसाधन जुटा रखे हैं, हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि इसराइल लेबनान के बीच का शक्ति संतुलन क्या है। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला ने धमकी दी है कि ना मैं समय बताऊंगा, ना तरीका, ना ही जगह। इसराइल को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन हमलों से हिजबुल्ला के लड़ाके डरने वाले नहीं है, हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे। इसके बाद इसराइल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया और लेबनान की धरती पर आग बरसा दी। इसराइल और लेबनान के बीच 130 किलोमीटर लंबी सीमा है, इसराइल का उत्तरी इलाका और लेबनान का दक्षिणी इलाका। इस सीमा को ब्लू लाइन कहते हैं। ग्लोबल फायर पावर में शामिल 145 देशों की सूची में लेबनान किसी भी तरह से इसराइल के चक्कर में नहीं है। 145 देशों में इसराइल की रैंकिंग 18वीं है, जबकि लेबनान की 111वीं। कहीं कोई समानता नहीं है। हिजबुल्ला का तो अपने देश लेबनान पर ही पूरा आधिपत्य नहीं है, लिहाजा लड़ाई छिड़ी तो हिजबुल्ला के हिस्से में क्या आएगा ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि हिजबुल्ला के पास जो है वो ईरान का दिया है और ईरान का हाल तो इसराइल ने ये करके छोड़ा है कि उसके घर में घुसकर हमास सिर्फ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया। ईरान देखता रह गया। ईरान के राष्ट्रपति बता रहे हैं कि इसराइल हमले में क्यों हो रहा है कामयाब, सुनिए। 3 میلیون اسرائیلی مسلمان ها رو نابود میکنه، زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جا رو بمباران میکنه. نشستیم نگاه میکنیم و او جرأت میکنه این کار میکنه برای اینکه ما با هم نیستیم. تو
तो रूस यूक्रेन जंग और तेज होती जा रही है। जंगी हालातों को देखते हुए एक रूसी नेता ने ऐलान कर दिया है कि महज 3 मिनट 20 सेकंड के अंदर यूक्रेन के साथ साथ फ्रांस पर मिसाइल हमला करने को रूस तैयार हो चुका है। खबर आ रही है कि रूस ने शैतान 2 के नाम से कुख्यात सरमत मिसाइल को बॉर्डर पर पहुंचा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वी यूक्रेन में हार रहे नेटो और यूक्रेन, पुतिन के बेहद करीबी और रूसी राजनेता वाचेस्लाव वोलोडिन की तस्वीर को गौर से देखिए। इस रूसी राजनेता ने 3 वाक्यों से दुनिया को बता दिया है कि इस वक्त रूसी सेना ने नेटो और यूक्रेन को पूर्वी यूक्रेन में बुरी तरह से हराना शुरू कर दिया है। 19 सितंबर तक रूस ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रस्क तक यूक्रेनी सेना को रौंद डाला है। रूसी दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क के एक बहुत बड़े इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। दावों के मुताबिक डोनेस्क के हेओरविका इलाके पर कब्जा किया जा चुका है। रूसी सेना की इस जीत को यूक्रेन की बहुत बड़ी हार माना जा रहा है। रूसी सेना ने हेओरविका इलाके क्षेत्र में मौजूद यूक्रेन के सभी सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर डाला है। यूक्रेन का हेओरविका इलाका सैन्य और रणनीतिक रूप से यूक्रेन और नेटो के लिए बहुत ही अहम इलाका था, जो अब यूक्रेन हार चुका है। हेओरविका जीतने के बाद दावा किया जा रहा है ये रूस की पूर्वी यूक्रेन में तीसरी सबसे बड़ी जीत है। रूसी दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया है। ये भी दावा किया गया है कि अब तक कुर्स्क में 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के शीर्ष सैन्य कमांडर मेजर जनरल आप्ती अलाउदिनोव का दावा है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से खदेड़ दिया गया है। पश्चिमी कुर्स्क का बहुत बड़ा इलाका रूस ने छीन लिया है। रूसी सेना का यहां तक दावा है कि उसने सुमेय इलाके में यूक्रेन और नेटो की तरफ से लड़ रहे भाड़े के 42 विदेशी सैनिकों को मार दिया है। यूक्रेन और नेटो के साथ रूसी सेना इस वक्त कम से कम 200 मोर्चों पर जंग लड़ रही है। На цей час російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб по наших містах, по українських позиціях. Обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо. रूसी दावों के मुताबिक युद्ध में आत्मघाती ड्रोन की जबरदस्त कामयाबी को देखते हुए पुतिन ने साल 2026 तक जंग जीतने की तैयारी कर ली है। पुतिन ने साल 2024 में ही आत्मघाती ड्रोन का उत्पादन 10 गुना बढ़ा लिया है। दावा किया गया है कि साल 2023 में रूस के पास अलग अलग तरह के कुल 1,40,000 ड्रोन थे, लेकिन अब पुतिन 10 गुना ड्रोन का उत्पादन करके यूक्रेन और नेटो के चीथड़े उड़ा देना चाहते हैं। रूस 2024 में ही ड्रोन उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाकर लगभग 14 लाख करने जा रहा है। हम आपको बता दें, पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि पूरी दुनिया मिलकर जितनी मिसाइलें 1 महीने में बनाती हैं, उससे 3 गुना मिसाइलें अकेले रूस हर महीने बना रहा है। 2023 год вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну, а если сказать поточнее, практически в 10 раз. В 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера. Вот сегодня тоже мы. Шайтан 2 से कांप गए Зеленский और Байден. पुतिन के इरादों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन जंग को किस लेवल पर ले जा चुके हैं। इसीलिए रूस ने अब अपने ब्रह्मास्त्र सरमत मिसाइल को नेटो के खिलाफ इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। जरा देखिए कैसे रूस की सरमत मिसाइल गेम चेंजर बनने जा रही है। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत को जंग में उतार दिया है। इस मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक माना जाता है। इसमें एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं और जरूरत के वक्त इन्हें अलग अलग दिशाओं में दागा जा सकता है।
सरमत मिसाइल की कुल लंबाई 35 मीटर यानी 115 फीट है। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है और ये दुनिया के किसी भी हिस्से में न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल एक साथ 10 से अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड, 16 छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। मिसाइल का कुल भार 200 टन से अधिक है। यही वजह है कि नेटो देश रूस के शैतानी मिसाइल से घबरा रहे हैं। कुल मिलाकर रूस से यूक्रेन जंग अब उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां पुतिन हर हाल में जंग जीतना चाहते हैं, जबकि नेटो यूक्रेन की आड़ में रूस को तबाह करके खुद की बादशाहत कायम करने की कोशिश में लगा हुआ है। हिजबुल्ला ने इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स और पर ताबड़तोड़ रॉकेट की बरसात की है। रॉकेट अटैक के बाद गोलान हाइट्स के जंगलों में भीषण आग लग गई है। गोलान हाइट्स पर इसराइल का आर्मी बेस है। वहीं हमास चीफ यहां सिनवार ने युद्ध रोकने के नया ऑफर दिया है। इसराइल में फटेगा सिनवार का इनसाइड बम। नेतन्याहू को खामनेई ने दिया अल्टीमेटम। राजदूत की आंख के बदले आईडीएफ चीफ को फोड़ेगा ईरान। हिजबुल्ला को पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से तहलाने वाले इसराइल को तेहरान से क्लियर मैसेज मिला है। ईरान अपने राजदूत की आंख का बदला इसराइल के आर्मी चीफ से लेने का ऐलान कर चुका है। लेबनान में हुए इसराइल के हमले में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद से ईरान बौखलाया हुआ है और हमास चीफ को सुरंग से बाहर निकालने का प्लान बना रहा है। हमास चीफ यानी यहया सिनवार नेतन्याहू का दुश्मन नंबर वन, इसराइल का अगला शिकार। जो चाहे कहिए, मगर यही एक चेहरा है जिसने खाड़ी के बारूदी बैटल ग्राउंड में हर चाल अपने हिसाब से चली और अब तक नेतन्याहू को छका रहा है। इसराइल के जंगी जेट हमास चीफ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। नेतन्याहू की मिसाइलें सिनवार की सुरंग को तोड़ नहीं पाई हैं। आईडीएफ के कमांडो सिनवार की झलक भी नहीं देख पाए हैं। हमास का सुप्रीम लीडर यहया सिनवार अब युद्ध में अपनी मन मुताबिक शर्तें लगाकर नेतन्याहू को सरेंडर करवाने का प्लान बना चुका है। सिनवार ने सीज फायर की जो शर्त रखी है उसे मानने पर युद्ध में नेतन्याहू की जीत तो मुमकिन नहीं होगी। इसराइल मीडिया के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहया सिनवार ने इसराइल के आगे शर्त रखी है कि उसे और उसके गुर्गों की जान के बदले वो सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। सिनवार ने इजरायल की जेल में बंद कई हमास कमांडरों को किसी तीसरे देश में शरण लेने की भी शर्त लगाई है। सिनवार ने नेतन्याहू को सीज फायर का ये ऑफर जान जाने के खौफ में दिया है। इसकी असली वजह आईडीएफ मेजर जनरल डैन गोल्डफस बताए जा रहे हैं, जिन्होंने हमास के टनल नेटवर्क की सभी परतें खोल डाली हैं। आईडीएफ के मेजर जनरल डैन हमास को सुरंग नेटवर्क की बर्बादी के नायक के तौर पर पहचाना जाने लगा है। जनरल डैन गोल्डफस ने खान यूनिस में सिनवार के सुरंग नेटवर्क का भी पता लगा लिया है। जनरल डैन के लीडरशिप में आईडीएफ और शिन बेट्स कमांडो सिनवार का सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आईडीएफ के सुपर फाइटर जनरल डैन ने यहया सिनवार के होश उड़ा रखे हैं। मौत के डर से सिनवार युद्ध विराम के नए नए पैंतरे आजमा रहा है। वहीं हमास चीफ के नए ऑफर के साथ ही अब इसराइल ने गाजा में जोरदार हमला शुरू कर दिया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमास के टॉप कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ और शिन बेट्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन में हमास के कई लड़ाकों का सफाया कर दिया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमास के टॉप कमांडर शदी जकार नेह के साथ 7 लड़ाकों को मार गिराया है। कबातिया में आईडीएफ ने जकार नेह पर हमले में फाइटर ड्रोन
बुलडोजर और जंगी जेट का इस्तेमाल किया है। IDF ने दावा किया है कि जकार ने कबातिया में हमास का टॉप लीडर था। जकार ने उत्तरी सामरिया में इसराइल पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड था। जकारने के खात्मे का वीडियो रिलीज करके इसराइल ने शनिवार को दहला दिया है। वीडियो में हमास का टॉप कमांडर मौत के डर से गाड़ी से उतरकर भागने लगा था, मगर आसमान में मौजूद इसराइल के अचूक हथियार ने बारी बारी से बम बरसाकर सभी हमास लड़ाकों को जमींदोज कर दिया। पुणे में एक हैरान करने वाला हादसा। शहर के समाधान चौक पर एक सड़क धस गई, जिसके बाद सड़क पर चल रहा नगर निगम का ट्रक देखते ही देखते गड्ढे में समा गया। तस्वीरें आप देखिए। सड़क पर नगर निगम का ट्रक गुजर रहा था, जो सफाई के काम के लिए निकला था, लेकिन अचानक सड़क पर हलचल होती है और सड़क धंसने लगती है, जिससे ट्रक का पिछला टायर उसकी चपेट में आता है। पहिए के नीचे बड़ा गड्ढा बन गया, फिर तो देखते ही देखते वो बड़ा सा ट्रक गड्ढे में समा गया। इससे पहले कि ट्रक ड्राइवर कुछ समझ पाता, पूरा ट्रक गड्ढे में जा चुका था। ऐसा लगा कि ट्रक ट्रक ना हुआ बल्कि कोई खिलौना हो गया। इतना गहरा गड्ढा हो चुका था कि ट्रक का सिर्फ सामने का हिस्सा दिखाई दे रहा था और ट्रक का ड्राइवर भी उसमें फंसा रह गया। गड्ढे में पानी भरा हुआ था, ट्रक पानी में डूबा दिखा। पुणे के समाधान चौक इलाके में नगर निगम का ट्रक नाले की सफाई के लिए पहुंचा था, लेकिन वहां से गुजरते वक्त सड़क अचानक धंस गई। गनीमत रही कि गाड़ी का अगला हिस्सा पानी में नहीं डूबा, नहीं तो ड्राइवर और उसके साथियों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। ट्रक जैसे ही गड्ढे में गिरा, वहां मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग हैरान थे। सड़क पर जो गड्ढा हुआ, उसकी गहराई 25 फीट से ज्यादा बताई गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। ट्रक को गड्ढे से निकालने के लिए ट्रक में एक रस्सी बांधी गई। बाद में क्रेन की मदद से 4 घंटे बाद ट्रक को बाहर निकाला जा सका। सड़क का धसना और उसमें एक ट्रक का गिर जाना सामान्य घटना नहीं है। घटना के बाद से इलाके में दहशत मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।